वेलकम टू उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की एक सब्ज़ी, वो एकदम अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगी। और ये सब्ज़ी मैं कैसी बनाती हूँ आप देखते जाइए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बंगाल में एक कटहल का सब्जी को एचोड़े तरकारी बोलते हैं और वो वाला सब्ज़ी भी बंगाल में बहुत अच्छा बनता है। चलिए देख लेते हैं कटहल का सब्जी बनाने के लिए हमको लगेगा ये वाला कटहल। देखिए कटहल को मैंने इतना बड़ा बड़ा पीस करके लिया है। आप चाहे तो ये वाला कटहल का सब्जी को बनाने से पहले कटहल को एक बार उबाल सकते हैं, पर मैं नहीं उबालूंगी, एकदम कढ़ाई में इसको बनाऊंगी। और लगेगा हमको थोड़ा सा आलू, वो भी इतना बड़ा बड़ा साइज का। चलिए कढ़ाई पे पहले तेल डाल देते हैं। कढ़ाई पे मैंने तेल डाल दिया, इतना सा तेल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा डाला मैंने। इसको थोड़ा फ्राई होने दूंगी। थोड़ा सा साबुत जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 सूखा मिर्च। इसको थोड़ा चला लिया मैंने। देखिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन। ये ऑनियन को मैंने बारीक कटा दिया है। ऑनियन को डाल दिया और एक बार ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। चलिए ऑनियन को फ्राई कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ऑनियन को फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4-5 स्लिटेड ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज को मैंने इधर डाल दिया और इसको इससे एक बार फ्राई कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कटोरा टमाटर। 2-3 स्मॉल साइज टमाटर लिया है मैंने, आप चाहे तो 2 मीडियम साइज भी ले सकता है। टमाटर को मैंने डाल दिया और टमाटर को एक प्याज के साथ हम लोगों को भूनना है। आप चाहे तो ऑनियन पेस्ट, टमाटर पेस्ट भी ले सकता है। और होता क्या है, टमाटर और ऑनियन पेस्ट थोड़ा सा जे खानों में मसाले ज़्यादा होते हैं उसमें डालते हैं। ये कटहल की सब्ज़ी इतना मसालेदार नहीं होता है, सिंपल सा बनता है, इसलिए इसमें ये बारीक कटा हुआ टमाटर और प्याज डालना ही उचित रहेगा। चलिए इसको भून लेते हैं। देखिए इधर मैंने टमाटर और प्याज को थोड़ा सा भून लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। थ्री बिग टी स्पून हमें डालना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और इसके साथ अच्छे से फ्राई भी करना है। चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने टमाटर और ऑनियन को फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 बड़ा चम्मच खट्टा दही या कर्ड जिसको बोलते हैं, और इससे इसको ये टमाटर प्याज अदरक लहसुन के साथ भूनना है। टमाटर का टुकड़ा को थोड़ा सा स्मैश कर देना है और इसको ऐसे भूनना है। ये थोड़ा भून जाए इसके बाद ही मैं इसके अंदर आलू और कटहल ऐड कर दूंगी। चलिए इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए मैंने इधर मसाला को थोड़ा सा भून लिया। अब मैं इसके अंदर 1 किलो का बराबर, 1 kg का बराबर इसके अंदर कटहल ऐड कर रही हूँ। कटहल को अच्छे से मसाला के साथ पहले मिला लेना है। थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं मसाला के साथ। देखिए कटहल को मैंने एकदम मसाला के साथ मिला लिया। अब मैं इसके अंदर
ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ पोटैटो, जो कटहल की सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पोटैटो के बिना ये कटहल वाला सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता है। इसको अच्छे से हमें हम क्या करना है, अच्छे से मसाला के साथ इसको प्याज से भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे उतना इस सब्ज़ी में स्वाद आएगा। 50% भून जाने के बाद इसमें मसाला ऐड करना है। चलिए इसको भून लेते हैं। देखिए हमने इधर कटहल को अच्छे तरह से मसाला के साथ प्याज से भून लिया। मसाला के अंदर ये वाला कटहल कोट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, मसाला का एक पेस्ट तैयार करना है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए हल्दी पाउडर, देखिए टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून के बराबर टर्मरिक पाउडर लेना है। टर्मरिक पाउडर ले लिया। अब हमें लेना है जीरा पाउडर, डाटा का जीरा पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून के बराबर जीरा पाउडर लेना है। और हमें लेना है धनिया पाउडर, ये भी डाटा कंपनी का लिया है मैंने। अब मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया। अब हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्वाइट बिट, आप चाहे तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, पर मैं इसके अंदर ज़्यादा जो डालूँगी वो है कश्मीरी रेड चिली का पाउडर। देखिए कश्मीरी रेड चिली का पाउडर कलर भी बहुत अच्छा होता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। जैसे मैंने पहले इतना सारा सीटेड ग्रीन चिलीज डाला है, इसके अंदर मैं इतना सा मिर्ची पाउडर ऐड नहीं करूँगी। चलिए इस मसाले को एक पानी देकर एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने इधर मसाला जो आप लोगों को सामने दिया उसका पानी देकर एक पेस्ट बना लिया। अब मैं पेस्ट को इसके अंदर डाल लूँगी और फिर से एक बार सब्ज़ी को मसाला के अंदर कोट करने के लिए सब्ज़ी को मसाला के साथ चला लूँगी। जैसे मसाला पूरा सब्ज़ी का अंदर अच्छे से कोट हो जाए और इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब रहे। मसाला तो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून शुगर, मतलब शक्कर, और उसके साथ साथ हमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, पर अभी नहीं, थोड़ा सा कुकिंग होने के बाद फिर मैं वो वाला जो नमक होता है उसको ऐड करूँगी। चलिए इसको फिर से मसाला के साथ एक बार भून लेते हैं। देखिए मैंने इस सब्ज़ी को मसाला के साथ भून लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और नमक ऐड करने के बाद हमें इसका आँच को थोड़ा ऊंचा कर देना है और इसको प्याज से हमें भूनना है। मैंने पहले ही बोला ये वाला सब्ज़ी जितना अच्छा से भुनेगा उतना अच्छा ये सब्ज़ी में स्वाद आएगा। थोड़ा सा इसको भूनना है। भूनने के बाद आप अगर चाहे कि कढ़ाई पे ना भूनें, गैस को बचाना है, तो आप थोड़ा प्रेशर कुकर में एक सीटी दे सकता है। सीटी देने के बाद इसको फिर से कढ़ाई में निकल कर इसका पानी सुखा कर इसको सब्ज़ी बना सकता है। और चाहे तो ऐसे कढ़ाई में भी पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ढक्कन दे के इसको पका सकता है। मैंने जैसे इसको एकदम पक गया तो जो पुन्ना है वो हो गया। इसके अंदर मैं एक कटोरा या डेढ़ कटोरा के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, जैसे ये वाला सब्ज़ी ना जले। और अब हमें इसको अच्छे से इसके साथ पकाना है। थोड़ा सा ये पक जाए और बॉयल्ड भी हो जाए उसके बाद इसको मैं फिर से एक बार चलाऊंगी और सब्ज़ी को सूखा करना है हम लोगों को। देखिए सब्ज़ी को हमें थोड़ा सा पका लेना है। 10 मिनट्स तक इसको पकाना है, वो भी ढक्कन देके। चलिए लौट के आते हैं। देखिए इधर जो कटहल का सब्ज़ी है एकदम पूरा बनके तैयार है। अब मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा करी लीव्स ऐड करूँगी, क्योंकि करी लीव्स का स्वाद हमारे घर की जो सब्ज़ियाँ बनते हैं वो वाला सब्ज़ी में हमेशा ऐड होता है। थोड़ा सा करी लीव्स ऐड कर दिया मैंने। अब हमें
इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए मैंने सनराइज़ का गरम मसाला लिया है, ये शाही गरम मसाला है। आप चाहे तो आप घर में पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकता है। गरम मसाला डाल दिया मैंने और फिर से एक बार सब्ज़ी को चला लिया, क्योंकि ये सब्ज़ी तो एकदम बन गया है। अब ये थोड़ा सूख जाना चाहिए, सूखने के बाद ही हम इसको डिश कर सकता है। इधर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ धनिया और इससे थोड़ा सा धनिया मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। धनिया को मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, जितना सारा धनिया है, और इसको फिर से एक बार चला लिया। आप ये सब्ज़ी का पानी एकदम सूखा देना है। देखिए आलू पक गया है, वो कटहल भी पक गया है। ये सब्ज़ियाँ एक्सप्रेस सूखा सूखा मसालेदार बनते हैं, और बंगाली में इसको गाछ पटा का काड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि बंगाली में ये वाला सब्ज़ी इतना अच्छा बनता है कि लोग इसको कटहल की सब्ज़ी नहीं बोल के गाछ पटा बोलते हैं, मतलब ट्री मटन। तो इसको थोड़ा सा और सूख जाना चाहिए, सूखने के बाद ही हम इसको प्लेट कर लेंगे। चलिए इसको प्लेट कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का सब्ज़ी एकदम बन के तैयार है, ये सूख भी गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। चलिए इसको एक बार प्लेट कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का कटहल का सूखा सब्ज़ी एकदम बन के तैयार है, आप एक बार देख लीजिए देखने में कितना अच्छा हुआ है। देखिए एकदम गर्मा गर्म सूखा सूखा बना है, इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, उबला हुआ चावल के साथ और पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकता है। इसको खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। मैंने तो बोला ही ये वाला सब्ज़ी इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है, इसकी बंगाल में इसको गाजपाटा का कड़ी बोलते हैं। गाजपाटा मतलब फ्री मटन, मैंने मटन जैसा स्वाद होता है ये वाला रेसिपी में। देखिए कितना अच्छा बना है रेसिपी, एकदम सूखा सूखा लाजवाब। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाएं। कैसे हुआ है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि रेसिपी कैसा बना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए, मसाला कितना क्वांटिटी, सब मैं डाल दूँगी। घर पे रहिए, खुश रहिए, घर वालों के साथ खुशी से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से अच्छे खाना बनाइए। प्लीज़ स्टे एट होम एंड यू विल बी सेफ ऑल्सो व्हेन यू स्टे एट होम, एंड इफ़ यू विल स्टे एट होम देन द होल इंडिया विल विन द बैटल। सो आप लोग शांति से रहिए, ठीक से रहिए, इस उम्मीद के साथ आप में जा रही हूँ, और फिर से लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक मेरे साथ में रहिएगा। टाटा।